आडवाणी जंतर मंतर पर किया बीजेपी आरएसएस हटाओ महिला बचाओ देश बचाओ महिला रैली आशा यादव। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी महिला हिंसा सांप्रदायिकता के खिलाफ एवं शिक्षा व राशनिंग व्यवस्था में सुधार और अन्य कई जन मुद्दों मांगों को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने जंतर मंतर नई दिल्ली पर भाजपा आरएसएस हटाओ महिला बचाओ देश बचाओ नारों के साथ विशाल महिला रैली का आयोजन किया। उक्त रैली में नोएडा व ग्रेटर नोएडा से जनवादी महिला समिति सैकड़ों महिला कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। समिति की नेता आशा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तब से महिलाओं का जीना दुर्भर हो गया है। बढ़ती जनसंख्या पैच बढ़ती महंगाई बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। महिला व सांप्रदायिक हिंसा में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जनवादी महिला समिति ने बीजेपी आरएसएस हटाओ महिला बचाओ देश बचाओ नारे के साथ 5 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर पर विशाल देशव्यापी महिला रैली का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नोएडा से महिलाओं का नेतृत्व जनवादी महिला समिति की नेता आशा यादव, चंदा बेगम, रेखा चौहान, गुड़िया देवी, सरस्वती लता सिंह ने किया। ग्रेटर नोएडा से महिलाओं का नेतृत्व तिलक देवी, सुमन, पूनम, रीना, राजेश, प्रेमवती, रईसा, वंदना, बबीता, जोगिंदी, रीना भाटी, महेंद्री, सुनीता, पूनम भाटी व किसान सभा के नेता अजीपाल भाटी, अजब सिंह, विनोद भाटी, संताराम, सुशांत भाटी, मास्टर वीर सिंह, गजराज भाटी ने किया। महिलाओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, रामसागर, पूनम देवी, राम सुवार्थ के नेतृत्व में दर्जनों सीटू कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। रैली को जनवादी महिला समिति के राष्ट्रीय नेता मरियम जबले, आशा शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।